गुड आफ्टरनून ऑल, माय नेम इज अमित कलथाइक और इस साल के जो एचपीएस 2019 का रिजल्ट आया उसमें मैंने रैंक 1 सिक्योर किया है। और मैं आपको अपना इनिशियल बैकग्राउंड बता दूं, मैं शिमला से ही बिलोंग करता हूं, आई बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला। ये एचपीएस में मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और मैंने फर्स्ट टू अटेम्प्ट में अपने मेन्स लिखे हैं और इस साल मैंने मेन्स भी क्लियर किया और लकीली मेरा रैंक 1 आया है। ओके, अब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। इनिशियली मैं आपको करंट अफेयर से बताता हूँ। डेडिकेटेड न्यूज़पेपर हिंदी और एक न्यूज़पेपर इंग्लिश पढ़ा है। इंग्लिश में आई यूज टू गो फॉर ट्रिब्यून एंड हिंदी के लिए आई यूज टू गो फॉर अमर उजाला। आप डेडिकेटेडली अपना न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि आप करंट अफेयर से इन टच रहें। जब आप मैगजीन अगर कोई लेते हैं आप तो आपको उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेडिकेटेडली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं एचएस की बात करूं तो यहाँ पे फैक्ट्स की थोड़ी ज्यादा अहमियत रहती है, तो अगर आप फैक्ट्स और फिगर्स पे ज्यादा फोकस करें जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो जब आप करंट अफेयर कभी पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट वुमन या हाईएस्ट लॉन्गेस्ट अगर कुछ ऐसा आपको करंट अफेयर या न्यूज पेपर में आता है तो उस पर आपने ज्यादा फोकस करना है। मेरे करंट अफेयर के सोर्सेज नॉर्मली तो अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स रहे हैं, जो वाजीराम एंड रवि की जो मैगजीन आती थी मैं वो पढ़ता था, लेकिन उसको भी आपने उस वे में पढ़ना है कि आप एचएस पे ज्यादा फोकस करें, कि कोई भी आपकी अगर एक न्यूज है एक पेज की उसको आपने पूरा नहीं पढ़ना है, ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए जो मेन न्यूज है और उसमें अगर कोई फैक्ट या फिगर है ओवरऑल आपने एक आइडिया लेना, ज्यादा आपने डिटेल में नहीं पढ़ना है। और उसके बाद मैंने जीके टूडे भी फॉलो किया था क्योंकि वो कंसाइज और क्रिस्प मैनर में आपको फ्रैक्चर फिगर्स बता देता है। ये मेरा करंट अफेयर का था। और इसके बाद अगर मैं आपको ऑप्शनल का बताऊं तो मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो पहले दो अटेम्प्ट्स के लिए मैंने ज्योग्राफी लिया था, तो मेरे को लगा कि इसमें स्कोरिंग काफी अच्छी नहीं आ रही थी मेरी, अराउंड 50-55% मेरा स्कोर रह रहा था, तो इस बार मैंने एग्रीकल्चर ऑप्शन लिया। अब मेरे को स्कोर तो नहीं पता कि क्या है, लेकिन लकीली आई गॉट थ्रू, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें अच्छा स्कोर होगा। इसके जो सोर्सेज थे वो मेरे बिल्कुल ऑनलाइन ही रहे हैं। एक तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसकी ऑनलाइन आपके पास आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन पीडीएफ। और एक ANGREU अंगराउ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये आपकी इसकी भी आपके पास आपको पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाएंगे अगर आपने एग्रीकल्चर अगर ऑप्शनल लेना है। ऑप्शनल में आपने फोकस करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि काफी हद तक देखा गया है जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद मैं आपको हिमाचल का अगर बुक्स के सोर्सेज बताऊं तो अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर आपने ट्रिब्यून और अमर उजाला तो रोज पढ़ना है ताकि आप हिमाचल के न्यूज से इन टच रहें। फिर मैंने जगमोहन बलोकरा को डेडिकेटेडली फॉलो किया है। काफी बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी अकेडमीज की बुक आ रही हैं, तो हम वो पढ़ सकते हैं कि नहीं। मैंने डेडिकेटेडली सिर्फ जगमोहन बलोकरा पढ़ी है 2017 से 2021 तक, 4 ईयर्स मैंने यही बुक बार बार पढ़ी है, मतलब मोर देन 5 to 6 times मैंने ये बुक पढ़ी है। 7 times भी जब मैं ये बुक पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ नया है, क्योंकि बुक बहुत वास्ट है। इसमें सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और काफी चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं पढ़ने हैं। जैसे आपका जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो आपका काफी हद तक इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाता है, तो जो इकोनॉमी वाला पार्ट है उस पर आप इतना ज्यादा ध्यान ना दें। और जो इनिशियल फर्स्ट आपके चैप्टर्स जैसे ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है और हिस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उस पर आपने ज्यादा फोकस करना है क्योंकि प्री और मेन में वहाँ से क्वेश्चंस काफी आते हैं। उसके बाद आपने हिमाचल में जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको आपने हर एक पेज पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में भी आएंगे और मेन में भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते हैं। पर एक बार अगर आप इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हैं तो अगली बारी जो गवर्नमेंट का नया इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें ऑलमोस्ट 80% वो सेम रहता है, बस उसमें एडिशन होती है। तो एक बार अगर आपने वो अच्छे से कर लिया है तो आपको अगली बारी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। उसके अलावा स्टेट का जो बजट है वो आपको मेंस में काफी हेल्प करेगा। जो गवर्नमेंट की नई स्कीम्स हैं अगर आपने वो इनकॉर्पोरेट अपने आंसर्स में कर दी वो मेरे हिसाब से काफी हेल्प करता है। उसके बाद अगर मैं आपको मेंस की स्ट्रैटेजी बताऊं तो उसमें सबसे ज्यादा अहम रहेगा राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग आपने प्रैक्टिस करनी है। मैंने 2 साल मेरे जो सर के भूषण रोहटा सर उनकी एक अकेडमी है सिविल स्क्वायर अकेडमी, मैंने पहले 2018-19 में उनके अंडर 2 साल डेडिकेटेडली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है। उनसे जो फीडबैक मिलता था वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि आपका भी
आंसर्स कभी आपके लंबे हैं, कभी छोटे हैं, कभी उसमें फैक्ट्स नहीं है, कभी उसमें कीज नहीं है. तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट इज कि आप किसी अच्छे टीचर से उसको चेक करवा लें ताकि आपको फीडबैक मिल जाए. उसके बाद मेन चीज मैं चाहूंगा कि आप लोग कीवर्ड पे फोकस करें, क्योंकि जब आप कभी आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक स्टूडेंट के वो हर एक आंसर डिटेल में पढ़े. तो कीवर्ड्स पे अगर आप फोकस कर पाएं, जैसे आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर उसमें कीवर्ड्स जो है अगर आपने उसको अंडरलाइन कर दिया और अगर एग्जामिनर ने वो कीवर्ड देख लिया, मेरे को लगता है उस कीवर्ड के बेसिस पे भी आपके आंसर्स की जजमेंट हो सकती है. और आंसर राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना एक टाइम टेबल सा बना लें. जब आप आंसर लिख रहे हैं, 3 घंटे में आपने पेपर कंप्लीट करना ही है, आपने पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आपने पेपर छोड़ दिया फिर आपको ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा. तो आपने बार बार प्रैक्टिस करके एटलीस्ट क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने जितना हो सके. और फाइनली मैं कुछ और बातें भी आपसे शेयर करना चाहूंगा. जैसे मेरा जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें हमारे क्वालिफाइंग पेपर्स थे जो इंग्लिश और हिंदी, तो मेरा मेंस का जो कट ऑफ था वो क्लियर हो गया था. मेंस की कट ऑफ वाज अराउंड 454 एंड आई स्कोर अराउंड 475. लेकिन मेरा जो लैंग्वेज पेपर था इंग्लिश, मैं उसमें रह गया, तो वो थोड़ा मेरे को सेटबैक था. कई बच्चे ऐसे भी थे जो हिंदी के पेपर में रह गए थे. तो जब आप मेंस की तैयारी करें, मुझे ये लगा कि यू हैव टू फोकस अपॉन दी ऑप्शनल एंड योर जीए सब्जेक्ट्स. लेकिन लैंग्वेज का जो पेपर है आपकी इंग्लिश और हिंदी को, आप उसे मत भूलें. हर संडे आप हिंदी और एक हिंदी का पेपर कर लें और एक इंग्लिश का पेपर कर लें, ताकि आप इन टच रहें. ऐसा ना हो कि पेपर में जाने से पहले आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, कि जैसे बेसिक जो आपके मुहावरे हैं या आपकी कन्वर्जन है, हिंदी अनुवाद है या जो भी है. अब एवरी संडे टू संडे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा प्रो बन जाएगा, क्योंकि काफी हद तक इस बार भी हुआ है कि बच्चे इंग्लिश और जो हिंदी है जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें रह जाते. तो आपने जो क्वालिफाइंग पेपर है उस पर भी फोकस आपने रखना है. और जो बुक्स है आपको मैं बता रहा हूँ कि जो एक बुक मैं बता रहा हूँ कि लिमिटेड आपने सोर्सेज रखनी. जैसे आप हिस्ट्री के देखेंगे तो हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम फॉलो की है, मैंने और कुछ फॉलो नहीं किया. प्री के लिए जब मैं एक बार मैंने स्पेक्ट्रम को पढ़ लिया तो फिर मैं जो एमसीक्यूज थे वो लगाता था, क्योंकि काफी हद तक जो आपका छूट भी जाएगा वो आपका कहीं ना कहीं एमसीक्यू से कवर हो जाएगा. ज्योग्राफी के लिए मैंने प्लस वन और प्लस टू की एनसीईआरटी अच्छे से की और उसके बाद मैंने केसी निकले गए. एनवायरमेंट के लिए मैंने एक ही बुक पढ़ी थी, वो थी आपकी बाजीराम की जो एनवायरमेंट की बुक आती, बस मैं वही पढ़ता था और उसके बाद में टेसी नहीं करवाता था. फिर आपकी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत और कुछ नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत ऐसी बुक है आप उसको जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले से ही वो बुक काफी कंसाइज है, तो उसी बुक को आप बार बार रिवाइज करते रहें. फिर साइंस के लिए जैसे साइंस के क्वेश्चन भी काफी आते हैं, तो बेसिक जो आपकी ल्यूसन की है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की, वो ज्यादा नहीं होती, वो 6 से 7 पेज की होती है, बस आपने वही पढ़नी है. और एमसीक्यूज जो आपके बेसिक और साइंस वाले होते हैं वो कहीं भी मिल जाएंगे आपको. जीके टुडे पे आप बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं आप उनको लगा सकते हैं. फिर आपका करंट हिमाचल आता है, हिमाचल के लिए आपने जगमोहन बलोखड़ा पढ़नी है. और एक साइट है एचपी जनरल स्टडीज, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से पूरी आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए उन्होंने मैटर इकट्ठा किया है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे आपको सॉल्व मिलेंगे और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहते हैं हिमाचल के लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर. तो एक बार अगर आपने कोई चैप्टर जगमोहन बलोखड़ा से पढ़ लिया है तो आप एचपी जनरल स्टडीज पे जाओ और वहाँ पे उनके एमसीक्यूज लगाओ. और मेंस के लिए फिर वही बताया मैंने कि आंसर राइटिंग आपने फोकस करनी है और लिमिटेड सोर्स ही रखें और अपना रिवीजन मल्टीपल रखें. टॉकिंग अबाउट द सेल्फ स्टडी, कि अगर कोई बच्चा है जो कोचिंग नहीं जा पाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो आजकल आप ऑनलाइन देख रहे हैं आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है. यूपीएससी फ्री मटीरियल्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको हर एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. इंटरनेट आजकल सबके पास है, आप अपनी बेसिक बुक्स खरीद लीजिए और अपनी जो टेस्ट हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए. जैसे मैं अगर आपको अपना नॉर्मल शेड्यूल बताऊं, तो सुबह उठ के मैं डेडिकेटेडली एक हिंदी का न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता था. विद टाइम आपको टाइम कम लगेगा, पहले मुझे 2 घंटे लगते थे, अब इनिशियली 1-1.5 घंटे में मैं इंग्लिश भी पढ़ लेता हूँ, हिंदी भी पढ़ लेता हूँ. क्योंकि जब आपके पास आपके सामने सिलेबस होगा आपको ये पता लग जाएगा कि ये चीज़ मैंने फिल्टर आउट करनी है नहीं करनी. तो इनिशियली 1-1.5 घंटा जब मैंने न्यूज़पेपर को दे दिया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट करके आप कर लीजिए, उसके बाद कोई भी अपना सब्जेक्ट उठा लीजिए, चाहे वो जीएस है चाहे वो आपका ऑप्शनल है, वहाँ पे आप 1-1.5 घंटे का आप
पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर एक और बदले एक डेढ़ घंटे के लिए पढ़ लीजिए। मेरा बस ये रहता था कि दिन में आपने 4 से 5 घंटे अच्छे से देने, तो क्वालिटी मैटर्स, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वान्टिटी डज नॉट मैटर। आपने अच्छे से रोज पढ़ाई करनी है, नंबर ऑफ आवर्स डू नॉट मैटर। फिर फाइनली टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू, इंटरव्यू जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आपकी मेंस में स्ट्रैटेजी टेस्ट हो चुकी है और नॉलेज आपकी टेस्ट हो चुकी है, ये सिर्फ पर्सनैलिटी का है। मुझे ये लगता है कि पर्सनैलिटी भी है और नॉलेज का भी टेस्ट है, क्योंकि जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था अभी, तो उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी थे, जो गवर्नमेंट स्कीम थी उसके भी उसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए। तो नॉलेज तो ऑब्वियसली आपके पास है ही जब आपने मेंस निकाला है, तो थोड़ा अपने नॉलेज के ऊपर भी आपने ब्रशअप करना है। पर्सनैलिटी वाइज मैं आपको बोलूंगा कॉन्फिडेंस इज द की, क्योंकि अगर आप कोई चीज अच्छे से बता पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत मैटर करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंटली सर को, जो भी आपकी चेयरपर्सन या मेंबर है, अगर आप कॉन्फिडेंटली ये बोल दे कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर या सॉरी सर आई विल रीड अबाउट इट, ये भी आपने कॉन्फिडेंटली अच्छे से बोलना है, ताकि उनको लगे कि नहीं जो बच्चा है उसमें काफी कॉन्फिडेंस है। उसके लिए आप काफी हद तक जो मॉक्स है, मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है और जो फ्लो है एक बार वो बन जाए। और एंड ऑफ द डे मैं ये एक बोलना चाहूंगा कि स्टडी के आवर्स है वो मैटर नहीं करते हैं, या आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ये बोलने की बातें होती हैं। मुझे तो पर्सनली लगता है कि अगर आप रोज 3 से 4 या 5 घंटे अच्छे से पढ़े, लेकिन कंसिस्टेंटली रोज पढ़े, वो मैटर करता है। और अपने जो बुक्स के सोर्सेज हैं, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक से ज्यादा ना रखें, लिमिटेड सोर्सेज रखें, और अपना रिविजन है उसको मल्टीपल रखें। टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो मैंने जैसे काफी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं। सोशल मीडिया में मेरे पास व्हाट्सएप और फेसबुक था, तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई कट ऑफ कर सकता है तो कर लीजिए। अब मैं ऐसा था कि मैंने नहीं किया था कट ऑफ, लेकिन मैंने एक स्मार्ट वे में फेसबुक को यूज किया, क्योंकि दिन भर आप पढ़ते रहेंगे, आपको थोड़ा तो टाइम अपने लिए चाहिए, आप बोर भी हो जाते हैं एक ही चीज को बार बार पढ़ते हुए। तो जब आपकी जो फेसबुक की फीड है, आप उसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए कि अगर आप फेसबुक की फीड भी देख रहे हैं, तो वो भी चीज आपको काम की लग रही है। जैसे अगर आप नॉर्मली मेरी फेसबुक की फीड देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हिमाचल टूरिज्म और सीएम ऑफिस, मतलब ऐसे साइट्स को आप लाइक कीजिए जो आपकी न्यूज फीड में दिखे, जो आपको अपनी पढ़ाई के लिए भी हेल्प करे, और एक तरीके से आपको एक थोड़ा आपके प्लेजर के लिए भी आपको हेल्प करे। तो सोशल मीडिया अगर कोई कट ऑफ कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो उसका स्मार्ट यूज के लिए। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स, और मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, और बीच में ब्रेक ना दें, रिसोर्सेज लिमिटेड रखें, रिविजन मल्टीपल करें, और ऐसा कभी कभी आपको प्रिपरेशन करने लगेगा कि या नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे भी लगता था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपका हार्डवर्क कभी ना कभी तो पे करता ही है, तो कई स्टूडेंट्स को ये जल्दी पे करेगा, कईयों को लेट पे करेगा, लेकिन विद टाइम आपका हार्डवर्क जरूर पे करेगा। इसलिए अपना हार्डवर्क ना छोड़े, कंसिस्टेंट रहें और अच्छे से अपना एफर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच।